हिमाचल के नगरोटा में आप लोगों को एक बात करने आया हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, आपका एक वोट ये समझकर मत देना कि आपका ये वोट भाई अरुण कुमार को एमएलए बनाएगा, जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाएगा। आपका एक वोट अरुण कुमार को एमएलए तो बनाएगा, जयराम जी को मुख्यमंत्री भी बनाएगा, मगर साथ साथ हिमाचल को देश का नंबर एक राज्य भी बनाएगा। ये 5 साल के अंदर हिमाचल के विकास की बहुत बड़ी मजल भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी और जयराम जी के नेतृत्व में काटी। और यहां कांग्रेस वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा है कि यहां एक रिवाज है कि एक बार कांग्रेस आती है दूसरी बार भाजपा आती है, एक बार भाजपा आती है दूसरी बार कांग्रेस आती है। अरे कांग्रेस वालों, जरा उत्तराखंड जाकर देखो, यूपी जाकर देखो, आसाम जाकर देखो, मणिपुर जाकर देखो, रिवाज बदल गया है। एक बार भाजपा आती है तो बार बार भाजपा आती है। मेरे साथ बोले, एक बार भाजपा। ये नई शुरुआत, नया रिवाज इस देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल के ही सपूत नड्डा जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए सभी में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाने का काम किया है और अब हिमाचल की बारी है। मित्रों, ये वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। ये वर्ष हिमाचल की सुवर्ण जयंती का वर्ष है। इस वर्ष के अंदर सारे हिमाचल वासियों ने संकल्प करना है कि 25 साल बाद जब हिमाचल अपना अमृत महोत्सव मनाता होगा और देश अपनी शताब्दी मनाता होगा आजादी की, उस वक्त हिमाचल कहां होगा।